हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ऑथर हिमांशु और वेरी वेरी थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए फॉर माय बुक रिदम रॉजर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आई एम हियर विथ माय ब्लॉग अबाउट रिदम रॉजर। मैंने अपने एक पोस्ट में बताया था कि मैं रिदम रॉजर 2 से लेके सारी जानकारियां, सारी इंफॉर्मेशन अपने ब्लॉग में शेयर करूंगा, ताकि आपको पल पल की खबर मिलती रहे कि रिदम रॉजर 2 के लिए क्या प्रोग्रेस हो रही है और रिदम रॉजर 2 कब तक रिलीज होगी। शुरुआत करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग रिदम रॉजर द सीक्रेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अ बिग बिग सक्सेस। जब मैंने रिदम रॉजर द सीक्रेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखी थी तो मैं बहुत 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 ज्यादा डरा हुआ था। रीजन ये था कि मेरी लास्ट 2 रोमांस टाइटल्स हैव डन वेरी गुड और वो अभी बहुत अच्छी चल रही है, माई म्यूट गर्लफ्रेंड एंड आई एम ऑलवेज हियर विथ यू। और मुझे कई लोगों ने सजेशन दिया था कि आई शुड नॉट ट्राई अ डिफरेंट जॉनर क्योंकि मैं ऑलरेडी एक रोमांस राइटर की तरह मेरी इमेज बिल्डअप है। लोगों ने मुझे ये भी कहा कि जो मेरे रोमांस रीडर्स हैं दे विल बी हर्ट बिकॉज आई हैव नॉट रिटन अ रोमांस बट आई हैव रिटन अ साइंस फिक्शन नाउ and maybe they would not like that science fiction book. But somehow, I was too much confident about the content of Rhythm Roger, क्योंकि मैंने उसके पीछे बहुत मेहनत की थी. I have studied a lot, I researched a lot to create that concept of electromagnetic world. I read about each and every scientist, about each and every concept to bring out that complete world, that complete imagination of what वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड लुक लाइक। मुझे एक भरोसा था कि शायद मेरे रीडर्स को वो चीज पसंद आएगी और शायद मैं उसमें कुछ हद तक खरा उतर गया हूं, मुझे ऐसा लगता है। और वो इसलिए लगता है वो सब मेरे रीडर्स का प्यार और मेरे रीडर्स का एप्रिसिएशन देखकर। आप लोग जब मुझे रिव्यूज पोस्ट करते हैं, मुझे रिव्यूज में टैग करते हैं, अमेजोन पर रिव्यूज डालते हैं, मैंने आज तक शायद ऐसा नहीं होगा जो मैंने कोई रिव्यू पढ़ा ना हो। मैं आपके एक एक रिव्यूज पढ़ता हूँ, उन रिव्यूज में बताई गई अच्छाइयों से अपने आप को अप्रिशिएट कर, आपके अप्रिसिएशन जो मुझे मिलते हैं उन रिव्यूज से, उनसे मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ नेक्स्ट पार्ट को लिखने के लिए। और जो उसमें आप मुझे खामियां बताते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उन खामियों को अपने नेक्स्ट पार्ट में रिमूव करने के लिए। So please, please keep on giving me feedbacks. Please keep on giving me reviews. अब हम आते हैं रिदम रॉजर पार्ट 2 के लिए। हाँ, पर उससे पहले एक चीज और मैं भूल गया हूँ, क्योंकि ये व्लॉग है तो मैं बहुत एक नेचुरल वे में बोल रहा हूँ, तो प्लीज बेयर विथ मी, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई है। आई एम जस्ट स्पीकिंग एज आई वॉन्ट टू, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विथ माई रीडर्स, विथ माई फ्रेंड्स। Rhythm Roger Part 1 के लिए I again want to thank you all because Rhythm Roger Part 1 The Secrets of Electron is doing fantastic. It's running among bestseller charts and it's selling on a high note. And usse badi baat hai, it's giving me lot and lot of appreciation and a motive to write Rhythm Roger 2. Now coming back to what's the progress of Rhythm Roger 2. So पहला अपडेट, रिदम रॉजर 2 इज ऑलमोस्ट 80% आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव रिटन दैट। सेकंड अपडेट, रिदम रॉजर 2 का नाम मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। देयर आर मेनी टाइटल्स व्हिच आर गोइंग अप इन माय माइंड, आई विल से अप्रोक्सीमेटली 3-4 टाइटल्स व्हिच आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट आई स्टिल नीड टू डिसाइड अप कि व्हिच टाइटल विल सूट मच बेटर, और वो शायद मुझे बुक के एंड होने पे ही पता चलेगा। सो ऑब्वियसली जब मैं बुक का टाइटल डिसाइड करूंगा तो आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू आप कि मैं टाइटल क्या रखने वाला हूँ। फिलहाल वी विल कॉल इट RR2 और रिदम रॉजर 2। सेकंड अपडेट, रिदम रॉजर 2 इज मच 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 बिगर देन व्हाट रिदम रॉजर 1 वॉज। रिसेंट अपडेट आई विल टेल यू, रिदम रॉजर 1 वॉज अप्रोक्सीमेटली 56,000 वर्ड्स, वेर एज रिदम रॉजर 2 आई हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 85,000 वर्ड्स। सो आप ये मान के चलो कि रिदम रॉजर 2 में जितने पेजेस थे उसे डबल पेजेस तो आपको रिदम रॉजर 2 में मिलने वाले ही हैं। थर्ड अपडेट, रिदम रॉजर 2 में यू विल एंटर अनदर लेवल ऑफ फैंटेसी, बिकॉज हमारा रॉजर थोड़ा बड़ा हो चुका है।
ही नाउ नोज मोर अबाउट वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ही नोज मोर अबाउट हिज एनिमीज, ही नोज मोर अबाउट हिज फ्रेंड्स, बट रॉजर यहां थोड़ी सी मुश्किल में है, बिकॉज रॉजर के फ्रेंड्स रॉजर से दूर हो चुके हैं, और अब रॉजर को फ्रेंड्स कैसे मिलेंगे, या फ्रेंड्स रॉजर को ढूंढेंगे या रॉजर अपने फ्रेंड्स को ढूंढेगा, ये एक बहुत ही जबरदस्त मिस्ट्री आने वाली है आपके सामने रिदम रॉजर पार्ट टू में। आने वाले समय में मैं आपको और अपडेट्स देता रहूंगा कि क्या क्या होने वाला है, बट यस मीनवाइल वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इलस्ट्रेशंस। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है हमारे ग्राफिक्स और हमारे इलस्ट्रेशंस पे काम चल रहा है, एंड आई कैन अश्योर यू दिस टाइम यू विल हैव मच मोर ग्राफिक्स एंड मच मोर इंटरेस्टिंग फीचर्स इन टू द बुक। एंड रिदम रॉजर 2 आपको ना रिदम रॉजर 1 से एक लेवल और ऊपर लेके जाएगी। प्लीज रीड अबाउट फोटॉन्स, प्लीज रीड अबाउट क्वांटम फिजिक्स, बहुत हाई लेवल पे नहीं, बिकॉज मैंने कोशिश वही की है कि बुक में जहां भी जो भी कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है उसको मैंने एक बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है कि अगर एक 8 साल का बच्चा भी रीड करेगा तो ही वुड बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द कंसेप्ट इज ऑल अबाउट। सो स्टिल इफ यू वांट यू यू कैन रीड इट, बट दीज कंसेप्ट विल बी कमिंग अप इन बुक, बट इन अ वेरी फैंटेसी एंड अ वेरी डिफरेंट वे। सो बी रेडी फॉर रिदम रॉजर 2, क्योंकि कुछ महीनों की बात है एंड आई विल बी रेडी विद रिदम रॉजर 2। माफी चाहूंगा थोड़ा डिले के लिए, बट कुछ अच्छी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा रिसर्च ज्यादा करना पड़ता है। आप बिलीव करें ना करें, ये रिकॉर्डिंग जब मैं आपके सामने कर रहा हूँ तो इस समय मेरे लैपटॉप में टाइम हो रहा है रात का 1:15, और मैं अभी भी रिदम रॉजर 2 पे रिसर्च कर रहा हूँ। सो मेरी रिसर्च जारी है, मेरी राइटिंग जारी है, आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, बस रिदम रॉजर को इतना फेमस कर दीजिए कि रिदम रॉजर 2 वो बंदा भी पढ़े जिसने रिदम रॉजर 1 नहीं पढ़ी। बस आप लोग का प्यार, आपका आशीर्वाद विल मेक रिदम रॉजर अ यूनिवर्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।